राज मैथ्स एंड जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इतिहास के अशोक के शिलालेख की, क्योंकि आजकल जो यूपीपीएससी का पैटर्न है वो पूरी तरीके से यूपीएससी की ओर ढल चुका है और अब हमको ब्रॉड स्टडी की आवश्यकता है। जितना ज्यादा हम ब्रॉड और डीप स्टडी करेंगे तभी हमारे क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो हम अशोक के जो शिलालेख है अब उनको रटना नहीं पड़ेगा, एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप सभी अभिलेख आसानी से याद कर सकेंगे। तो मित्रों देखो, उन्होंने पहले अभिलेख में क्या कहा है कि जीव हिंसा नहीं की जाएगी, जीव हिंसा नहीं होगी। पहले अभिलेख में कहा गया है जीव हिंसा नहीं होगी, जीव हिंसा नहीं होगी। अर्थात पहले क्या होता था कि अशोक के रसोई में उनके भोजन के लिए दो मोर और हिरण मारे जाते थे और उसके साथ ही हजारों जीव मारे जाते थे, तो उन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो मित्रों जब किसी भी जीव की हत्या नहीं होगी, प्रतिबंध लग जाएगा, तो उसके बाद क्या हो सकता है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति जंतु को मारने गया हो, जीव को मारने गया हो, तो वो भी उसके साथ हताहत हो जाए, उसके साथ चोटिल हो जाए। तो उसके बाद क्या होगा, जब कोई चोटिल होगा तो क्या किया जाएगा, चोटिल जब हो जाता है तो क्या होता है, जीव तथा मनुष्य दोनों के लिए क्या की जाएगी, दोनों की स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, स्वास्थ्य सुविधा कह सकते हैं या इस पर चिकित्सा सुविधा कह सकते हैं। मित्रों चिकित्सा सुविधा, जीव तथा मनुष्य दोनों की चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार से आपने जाना कि पहले जीव हिंसा जब नहीं होगी, पहले अभिलेख में क्या है, जीव हिंसा नहीं की जाएगी, कोई जीव नहीं मारा जाएगा। दूसरे में क्या है कि जीव तथा मनुष्य यदि हताहत होते हैं तो दोनों के लिए चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई है। उसके बाद मित्रों आता है तीसरा अभिलेख। तीसरे अभिलेख में क्या कहा गया है कि तीसरे अभिलेख के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तो नियम बना दिए गए हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि जो अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वैसे पांचवें वर्ष में जो भी अधिकारी हैं कहां जाएंगे, पांचवें वर्ष में अधिकारी दौरे पर जाएंगे, दौरे पर क्यों जाएंगे, क्योंकि वो ये निरीक्षण करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पूरी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो जाएंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। जब वे जाएंगे, प्रत्येक पांचवें वर्ष में जाएंगे, तब क्या होगा, जो हिंसा थी हिंसा के स्थान पर क्या आ जाएगा, अब धर्म की नीति पालन की जाएगी। जब अधिकारी जाएंगे तो किसकी नीति बताएंगे, धर्म की नीति बताएंगे, यानी भेरी घोष जो था, भेरी घोष के स्थान पर क्या आ जाएगा, धम्म घोष का मतलब होता है धर्म की स्थापना। तब ये लोग जो जाएंगे पांचवें वर्ष में, जो अधिकारी दौरे पर जाएंगे, वो भेरी घोष यानी जो अभी तक हिंसा हो रही थी, हिंसा के स्थान पर क्या हो जाएगा, धर्म की स्थापना की जाएगी, धर्म और शांति की स्थापना की जाएगी। तो ये था आपका चौथा शिलालेख। चौथा के बाद में फिर आता आपका पांचवा शिलालेख। पांचवें शिलालेख में जो आपका धम्म घोष है यानी धर्म की स्थापना, उसका उनके विचारों को, जो सम्राट के विचार है उनको कौन प्रसारित करेगा, धार्मिक लोग होंगे, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वे लोग होंगे, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जाएगी। तो मित्रों जब धर्म की स्थापना के लिए क्या किया जाएगा, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जाएगी। और धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति की जाएगी, तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा में क्या करते हैं, वो साफ दे देते हैं, तो साफ ना दें, इसके लिए क्या उनको सुझाव दिया गया है कि अपना आत्म नियंत्रण रखें। यदि कोई व्यक्ति उनसे भला बुरा भी कहता है तो क्या रखें, आत्म नियंत्रण रखें और किसी को भी साफ ना दें, यानी प्रजाहित का ध्यान रखें, प्रजाहित, सदैव ही प्रजाहित के बारे में सोचें। धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति है वो सदैव ही आत्मनियंत्रण अपना रखें और प्रजाहित यानी सदैव ही ये ध्यान रखें कि प्रजा का किसी प्रकार से अहित नहीं होना चाहिए।
तो मित्रों उसके बाद में आता है आपका सातवां और आठवां अभिलेख। सातवें और आठवें अभिलेख में क्या है कि अशोक के अशोक सम्राट अशोक जो थे उनकी अशोक की तीर्थ यात्राओं यानी सम्राट की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। तीर्थ यात्राओं का वर्णन है मित्रों। तो जो तीर्थ यात्राएं हैं किस प्रकार से उन्होंने तीर्थ यात्राएं की हैं तो तीर्थ यात्राओं का वर्णन है और उन्होंने उसमें अपनी तीर्थ यात्राओं में क्या क्या बताया है, संदेश दिया है कि सब लोग धर्म का पालन करें और शिष्टाचार को अपनाएं। तो इसके बारे में अशोक की जो तीर्थ यात्राएं हैं तो उसमें उन्होंने इस चीज को दर्शाया है। तो उसके बाद फिर आता है आपका नवा अभिलेख, उसमें उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से आज कल के जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं या सभाएं करते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं आप समान शिष्टाचार का व्यवहार करें, सदैव शिष्टाचार का व्यवहार करें। तो यहाँ पर नवे में क्या हो जाएगा, जो तीर्थ यात्राओं से लौटेंगे तो क्या कहेंगे, हमेशा यही सबको बताएंगे अपनी प्रजा को कि समान शिष्टाचार का व्यवहार, शिष्टाचार का व्यवहार करें, शिष्टाचार का व्यवहार करेंगे। तो शिष्टाचार का व्यवहार करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, सद्बुद्धि आएगी। इसके बारे में नवे अभिलेख में उन्होंने बताया है और साथ ही समान शिष्टाचार का व्यवहार के साथ साथ उन्होंने क्या कहा है कि बीमारी विवाह और मरणोपरांत होने वाले उत्सवों का उन्होंने विरोध किया है। इसमें जो भी है आपके नवे अभिलेख में क्या है, कहा गया है कि समान शिष्टाचार का व्यवहार करें तथा बीमारी विवाह मरणोपरांत होने वाले उत्सवों का विरोध किया गया है। तो ये उन्होंने बताया अपने नवे शिलालेख में। उसके बाद में मित्रों आता है दसवां शिलालेख। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आप देखते हैं मित्रों हम दसवां शिलालेख। तो दसवें शिलालेख में क्या होगा मित्रों, दसवां आपका शिलालेख है, दसवें शिलालेख में क्या कहा जाएगा कि जो राजा है और जो जितने अधिकारी हैं, राजा तथा अधिकारी जितने भी हैं सदैव प्रजाहित में सोचें, सदैव प्रजाहित के बारे में सोचें। जितने भी राजा और अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, वो सब प्रजाहित को ध्यान में रखेंगे, प्रजाहित के बारे में सोचेंगे। तो उसके बाद में मित्रों आता है आपका प्रजाहित में सोचने के बाद में क्या हो जाएगा, जो आपका 11 नंबर आता है उसमें क्या कहा गया है कि धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म मतलब धर्म की व्याख्या, धर्म की जो उन्होंने धर्म बनाया यानी धार्मिक नीति अपनाई उसकी व्याख्या की गई है। और उसकी व्याख्या किसने की है, धर्म महामात्रों ने। जैसा कि आप शिलालेख 5 में जानते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धर्म की व्याख्या किसमें की गई है तो आपका हो जाएगा शिलालेख 11। और यदि ये पूछा जाए कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति किसमें की गई है वो हो जाएगा आपका अभिलेख 11। उसके बाद में फिर आता है आपका अभिलेख 12। अच्छा, पुरुष जो है स्त्रियों के कॉन्टेक्ट में पूरी तरीके से नहीं आ सकते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 12वें अभिलेख में क्या हो जाएगा, स्त्री धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, स्त्री धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। स्त्री धर्म महामात्रों की नियुक्ति जब की गई तो उससे क्या हुआ कि महिला और पुरुष को समान शिष्टाचार, समान व्यवहार, समान आदर मिला। ठीक है, तो धर्म की व्याख्या की गई और धर्म की व्याख्या स्त्रियों तक कौन पहुंचाएगा तो उसके लिए स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। तो उसके बाद में 13वें अभिलेख में आता है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। मित्रों ये अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ये जो है आपका राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूं। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में जो है ये हुआ था आपका। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें यानी कलिंग युद्ध जब हुआ तब इन्होंने क्या कहा, उसको भारी नरसंहार देख करके इनका हृदय द्रवीभूत हो गया
और इन्होंने भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार के युद्ध को करने की न करने की घोषणा कर दी। और इस प्रकार से इन्होंने 14वें अभिलेख में बनाया है कि सभी जो भी हमारी प्रजा है वो धार्मिक जो भी प्रजा है, जब इन्होंने अहिंसा का व्रत धारण कर लिया अशोक ने, तो क्या संदेश दिया कि प्रजाहित जो है, प्रजाहित प्रजा धार्मिक बने, प्रजा धार्मिक बने व अहिंसा को अपनाए। तो इस प्रकार थे मित्रों 14 शिलालेख। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको ये शिलालेख याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। यदि मित्रों आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मित्रों इस पर आपको UPPS, PSC RO और लेखपाल और पुलिस के संबंधित बहुत सारी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध रहेगी। ये आपका अपना चैनल है, इसको अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।